नमस्कार, मैं हूं दिव्या रानी और आप देख रहे हैं जीएन भारत। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उद्योग विभाग की ओर से आयोजित स्टैक होल्डर कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिए और इस मौके पर देश भर के उद्योगपतियों को झारखंड में निवेश के अवसरों से अवगत कराए। वहीं उन्होंने शनिवार को कहा कि राज्य के सभी क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार शीशे को हीरे के तौर पर बेचने में विश्वास नहीं करती है। टाटा समूह का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पूरा देश टाटा को जानता है, यह वही क्षेत्र है जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य में निवेश को मजबूत बनाने के लिए यदि आप कृषि और खाद्य, कपड़ा, ऑटोमोबाइल इत्यादि विनिर्माण क्षेत्र में निवेश करना चाहते हैं तो झारखंड आपको कुछ बेहतरीन अवसर प्रदान करने का वादा करता है। मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा कि झारखंड में सभी क्षेत्रों में बड़ी संभावनाएं हैं, फिर वे खाने या खनिज हो या वन उपज, वस्त्र या सब्जियां। टाटा वह स्थान है जहां HEC, स्टील, कोयला, बिजली इत्यादि जैसे विशाल प्रतिष्ठान हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि खनिज संपन्न राज्य होने के अलावा झारखंड टमाटर का उत्पादन देश में दूसरे स्थान पर है, वहीं भिंडी और फूलगोभी भी छठे स्थान पर है। वहीं झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने कहा कि यह निवेशकों के ऊपर है कि इस अवसर का लाभ कैसे उठाएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद।